जैसा भी आप जानते हैं डीसी में 3 यूनिवर्स है और एक यूनिवर्स जेम्स गन ने बंद कर दिया है। बात करें पहली डीसी यूनिवर्स की, जिसमें कौन कौन सी मूवी हमें देखने को मिली। पहली मूवी मैन ऑफ स्टील, दूसरी मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, तीसरी मूवी सुसाइड स्क्वाड, चौथवीं मूवी वंडर वुमन, पांचवी मूवी ही जस्टिस लीग और सिक्स मूवी की एक्वामैन, सातवीं मूवी बर्ड ऑफ ब्री और आठवीं मूवी जोकर और नाइन मूवी शज़ाम और दसवीं मूवी वंडर वुमन 1984 और ग्यारहवीं मूवी सुसाइड स्क्वाड और बारहवीं मूवी द बैटमैन और तेरहवीं मूवी ब्लैक एडम, 14 मूवी शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स और 15वीं मूवी द फ्लैश, जो डीसी यूनिवर्स को रीसेट कर। अब बात करें डीसी के नए चैप्टर 1 की, जिसमें पहली मूवी देखने को मिलेगी सुपरमैन लेगेसी, दूसरी मूवी देखने को मिलेगी सुपर गर्ल लेगेसी, उसके बाद बैटमैन की मूवी ब्लेड बोर, उसके बाद पैराडाइज और उसके बाद फिर द अथॉरिटी, फिर मूवी देखने को मिलेगी स्वैम्पिन, उसके बाद हमें बूस्टर गोल्ड, फिर फ्यूस्टर कमांडोज, फिर द ग्रीन लैंटर्स की द लैंटर्स, फिर अमांडा वॉर्स देखने को मिलेगी। ये की होगी डीसी की चैप्टर 1 जो हमें 2025 को देखने को मिलेगा। अब बात करें डीसी का एक और यूनिवर्स है जो और किसी का नहीं जैक स्नाइडर का है। जैक स्नाइडर के डीसी की यूनिवर्स में डार्क साइड अबीर होता है और शायद हमें जैक स्नाइडर के यूनिवर्स में ये मूवी देखने को मिल सकती है, जिसमें सुपरमैन से जैम मिलके ब्लैक एडम से फाइट करें, वो कि जैक स्नाइडर का यूनिवर्स एक अलग ही है और जैक स्नाइडर हमेशा फैंस की उम्मीद में कायम रहते हैं। जैक स्नाइडर ने 2 मूवी डायरेक्ट की, जिसमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जैक स्नाइडर जस्टिस लीग, और ये डार्क साइड जैक स्नाइडर के यूनिवर्स में अफीड होता है। हम जैक स्नाइडर हमेशा अपने हिसाब से मूवी बनाते हैं जो फैंस को पसंद आए। अब जैक स्नाइडर या जो फैंस की उम्मीद पूरी कर सकते हैं इन तीनों की मूवी। अब आज की उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।